सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है और वहां का रास्ता मुझे खुद बनाना है। इसी संदेश के साथ मैं हरविंदर सिंह दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं नई वीडियो। स्टूडेंट, जो आज की वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये सिर्फ स्टूडेंट लाइफ के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये उन पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनके बच्चे 6th से 12th क्लास तक किसी ना किसी क्लास में पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, कॉमन सी प्रॉब्लम के पीछे एक मैं वीडियो का लेके आया हूं। कॉमन सी प्रॉब्लम क्या आती है कि एक अच्छे स्कूल में आप एडमिशन भी लेते हैं, प्लस एक अच्छी कोचिंग या ट्यूशन टीचर के पास भी जाते हैं, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम के पीछे रीजन क्या है, मैं आपको इस रीजन को भी बताने वाला हूं और रीजन के बाद उसके सॉल्यूशन को भी बताने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट, मान लिया कि ये स्टूडेंट 10th क्लास का है या मान लीजिए 9th क्लास का, किसी भी क्लास का एक स्टूडेंट आप इमेजिन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं 6th to 12th, ये एग्जाम्पल सभी के लिए सुटेबल रहेगा। तो मैंने एक ऐसे स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया जो 10th या 9th क्लास में पढ़ता है। अब इसका मैं डेली रूटीन एक बार चेक करने वाला हूं, इसका डेली रूटीन क्या रहता है ये हम देखने वाले हैं। डेली रूटीन ये रहता है जी कि ये बच्चा सुबह 6:30 बजे उठता है, ठीक है जी, 6:30 बजे उठाए और लगभग 8:30 से 2:30 बजे तक ये स्कूल में रहता है। स्कूल में रहने के बाद इसने लगभग 1 या 1.5 आवर इसने रेस्ट किया। स्कूल में आने के बाद इसको लगभग 1.5 घंटा रेस्ट चाहिए। उसके बाद ये लगभग 4 या 4:30 बजे किसी ना किसी ट्यूशन टीचर के पास या कोचिंग संस्था में चला जाता है कहीं ना कहीं। उसके बाद ये 3 घंटे बाद वापस आता है जी। जब ये घर पे आया तो क्या टाइम हो गया, शाम के 7:30 बज गए। अब इसको माइंड फ्रेश करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ी देर फोन चाहिए। माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर फोन चाहिए प्लस टीवी चाहिए, कुछ ना कुछ इसको माइंड फ्रेश करने के लिए, कुछ एंजॉयमेंट करने के लिए चाहिए। अब इसने टाइमिंग कर दी 8:30, ये कुछ करते करते इसको 8:30 बज गए और 8:30 बजने के बाद इसने डिनर किया। डिनर करने के बाद 9:30 या 10 बजे के बाद लगभग ये 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा 1.5 घंटा जब भी उसकी कैपेसिटी जितनी भी बच्चे की है वो पढ़ा और सो गया। चलो जी, ये इसका रूटीन है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि बच्चा 6 घंटे स्कूल में रहा, लगभग 6 आवर्स उसने स्कूल में स्पेंड किए, लगभग 3 आवर्स उसने कोचिंग या किसी ट्यूशन टीचर के पास स्पेंड किए, तो स्टूडेंट वो सेल्फ स्टडी कब करेगा। यहां स्कूल में 8 पीरियड थे, स्कूल में 8 पीरियड लगभग लगते हैं सभी स्कूल्स में। 8 पीरियड के 8 टीचर्स ने उसको कुछ ना कुछ होमवर्क दिया होगा, उनको कुछ ना कुछ होमवर्क दिया होगा, किसी ने लर्न करने के लिए दिया, किसी ने रिटर्न वर्क करने के लिए दिया है, तो कुछ ना कुछ होमवर्क दिया। प्लस उसके बाद वो जब 3 घंटे यहां ट्यूशन गया या कोचिंग गया, इस टीचर ने भी उसको क्या कह दिया कि ये होमवर्क आपको कल लर्न करके लाना है, कुछ चीजें लर्न करके लानी है। स्टूडेंट, प्रॉब्लम कहां आती है बच्चे के लिए, बच्चे के लिए प्रॉब्लम यह आती है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं उसने कुछ अलग वर्क दिया, ट्यूशन के जो टीचर्स हैं कुछ अलग वर्क दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही उन्हीं के पास बच्चा ट्यूशन जाता है, लेकिन फिर भी जो यूनिट्स यहां चल रही हैं, जो चैप्टर्स यहां चल रहे हैं, वो चैप्टर यहां नहीं होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आगे पीछे सिलेबस चलता रहता है। अब स्टूडेंट के पास लगभग 1 घंटा शाम को और ये मान लीजिए कि 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह पढ़ने का टाइम है, इन 2 घंटों में वो किस किस सब्जेक्ट का कैसे कैसे होमवर्क मैनेजमेंट करेगा, ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स। तो पेरेंट्स के लिए भी मैं एक मैसेज लेके आया हूं स्टूडेंट्स। पेरेंट्स की दिक्कत कहां आती है कि बच्चा आपका 6 घंटे स्कूल रहा, 3 घंटे ट्यूशन रहा, पेरेंट्स के दिमाग में ये होता है कि बच्चा हमारा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, एक अच्छे ट्यूशन टीचर के पास पढ़ रहा है, तो उसकी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है पेरेंट्स। आपको बच्चे के डेली शेड्यूल पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ध्यान देने के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए, बस बिल्कुल जल्दी से हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में, इस बच्चे के डेली शेड्यूल के बारे में। तो स्टूडेंट देखिए पेरेंट्स कि हम क्या कर रहे हैं, 1 घंटा शाम को और 1 घंटा सुबह उस बच्चे को हम क्या कर रहे हैं,
सिर्फ सेल्फ स्टडी का दे रहे हैं, ये सबसे गलत डिसीजन हमने यहां लिया हुआ है, तो इसी डिसीजन को हमने चेंज करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करने वाला हूं। कैसे चेंज करेंगे ये देखते हैं। जहां बच्चा 3 घंटे ट्यूशन जा रहा है, जहां बच्चा 3 आवर्स ट्यूशन स्पेंड कर रहा है, यही हमारा सबसे बड़ा गलत स्टेप है। चाहे वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो कोचिंग टीचर्स खुद इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे पेरेंट्स इस वीडियो को खुद देख रहे हैं, तो मैं आपको यहां बताने वाला हूं कि अगर बच्चा 3 आवर्स या 3.5 आवर्स या 4 आवर्स एक कोचिंग संस्था में जाता है या किसी ट्यूशन टीचर के पास इंडिविजुअली जाता है, तो वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए एक सिंपल सा एक फंडा बताने वाला हूं आपको मैं। फंडा क्या है एक सिंपल सा, कि किसी ट्यूशन टीचर ने 3 आवर्स में पहले मैथ्स का पीरियड लगाया, फिर साइंस का लगाया, फिर SST का या कुछ देर इंग्लिश का पीरियड लगाया। देखो इन सब्जेक्ट्स में पढ़ने के बाद बच्चे को बहुत कुछ समझ में आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस कोचिंग में आपने भेजा वो कोचिंग में आप मत भेजिए। देखिए सिंपल सा एक बात को पकड़िए आप, मैं क्या कहना चाहता हूं। कहना मैं ये चाहता हूं कि 3 आवर्स बच्चा कोचिंग गया, जो भी टीचर्स ने समझाया उसको अच्छे से वो समझ तो आता है, लेकिन उसके पास सेल्फ प्रैक्टिस का टाइम नहीं है। मान लीजिए कि एक मैथ्स टीचर वहां ट्यूशन पे पढ़ा रहा है, मैथ्स टीचर या साइंस टीचर ट्यूशन पे पढ़ा रहा है, उस मैथ्स के टीचर ने 50 मिनट के या 1 आवर के एक पीरियड में, एक लेक्चर पीरियड में उसको 6, 7 या 5 इतने क्वेश्चन करवा दिए, 5, 6, 7 कुछ क्वेश्चन एवरेज मार्क्स में हम लेके चले कि इतने क्वेश्चन करवा दिए। अब ये क्वेश्चन बच्चे को अच्छे तरीके से समझ भी आ गए, ये बच्चे को समझ भी आ गए ऐसा मान के चलते हैं हम। अब ये बच्चों को समझ में आ गए, लेकिन यहां ये भूल ना करे बच्चा या पेरेंट्स ये भूल ना करें कि अगर ये बच्चे को समझ आ गया तो बच्चा खुद भी कर लेगा। यही हम गलती करते हैं। मैथ्स एक सब्जेक्ट ही ऐसा है या साइंस एक सब्जेक्ट ऐसा है कि जब बच्चे को बोर्ड पर कोई चीज समझाई जा रही है तो उसको समझ जरूर आ रही है, लेकिन जब तक बच्चा उसको 2 बार 1 बार 3 बार करके नहीं देखेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक वो बच्चे के दिमाग में फीड नहीं होगी, बच्चे के दिमाग में सेव चीजें नहीं होगी। तो यहां एक बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे पास। तो स्टूडेंट टॉपिक के बारे में जो सार, जो इसकी वैल्यू निकल के आती है, वो निकल के आती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करें कि जो बच्चा 6 घंटे स्कूल जा रहा है, कम से कम उसको 2 या 2.5 घंटे पहले उठाएं। अगर बच्चा 8:30 बजे स्कूल जा रहा है तो उसको 6 बजे के बजाय 5:30 उठाएं। 5:30 तक अगर बच्चा उठता है तो अपने डेली रूटीन से फ्री होके, वो जो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने से फ्री होके, यहाँ 1-1.5 घंटा वो बच्चा पढ़ने के लिए निकाल सकता है। उसके बाद बच्चा गया स्कूल, स्कूल जाने के बाद बच्चे का 1-1.5 घंटा यहाँ फ्री रहने दें आप। इसमें आप उस बच्चे पे बर्डन ना डालें कि वो पढ़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 6 घंटा पढ़ने के बाद वापिस घर जाके फिर पढ़े। उसको 1-1.5 घंटा रेस्ट के लिए चाहिए। अब उसने रेस्ट किया, यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये जो 3 आवर्स के ट्यूशन है स्टूडेंट्स या पेरेंट्स, ये जो 3 आवर्स है इसको आप कन्वर्ट कीजिए लगभग 1 आवर या मैक्सिमम 1.5 आवर, या तो बच्चा 1 घंटा या लगभग 1.5 घंटा ट्यूशन जाएगा तो ही ये बच्चे के लिए सुटेबल रहेगा। इससे ज्यादा अगर बच्चा ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन पे वो समझ के जरूर आ रहा है लेकिन अपने दिमाग में सेव नहीं कर रहा है। जैसे डेली के 5-6 क्वेश्चन उसके समझ में तो आएंगे लेकिन वो सेव नहीं कर पाएगा। अगर आपने ये ट्यूशन टाइम उसका कम कर दिया, ट्यूशन टाइम कम कर दिया लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटा कर दिया, उसके बाद वो शाम को जहां मैंने हमने पहले बात की कि वो 1 घंटा दे रहा था, उसकी जगह वो इवनिंग आवर्स में भी 1 या 1.5 घंटा वो ट्यूशन के लिए सेल्फ स्टडी के लिए दे सकता है। तो मेन बात क्या निकल के आती है कि बच्चे के पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं है। बच्चे के पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं है। मेरा मानना, पर्सनली मेरा मानना यह है कि आप चाहे बच्चे को कोचिंग ना ही भेजें, जो स्कूल में होमवर्क दिया है या जो ट्यूशन टीचर 1 घंटा मैक्सिमम 1.5 आवर मैक्सिमम जिस बच्चा जो टीचर के पास जा रहा है, जो उसने होमवर्क दिया है, उसको वो बच्चा बैठ करके सेल्फ स्टडी करे और प्लस
खुद के छोटे छोटे नोट्स बनाए, खुद के छोटे छोटे नोट्स बनाए वो, कि जो भी वो टॉपिक पढ़ रहा है, मान लो साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहा है, साइंस का टॉपिक उसको जैसे जैसे टीचर ने समझाया तो वो एक पेज ले ले, एक रफ कॉपी लगा ले, उसके ऊपर छोटे छोटे नोट्स बनाए। नोट्स बनाने से उसको वो लर्निंग जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगी। जब तक बच्चा खुद मेहनत नहीं करेगा, खुद नोट्स नहीं बनाएगा, खुद के तरीके से याद नहीं करेगा, तब तक वो चीजें उसके दिमाग में सेव नहीं होगी दोस्तों। तो टाइम मैनेजमेंट पहली कमी थी, दूसरी कमी थी सेल्फ स्टडी की। टाइम मैनेजमेंट पहली और दूसरी कमी सेल्फ स्टडी की। तो मैं कुछ हद तक मानता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे बच्चे को टाइम मैनेजमेंट देना है और कैसे बच्चे को सेल्फ स्टडी देनी है। दो कमियां निकल के आई, दो कमियां क्या, टाइम मैनेजमेंट प्लस सेल्फ स्टडी। जैसे ही आप टाइम मैनेजमेंट बच्चे का सेट करके देंगे, बच्चे का सेल्फ स्टडी का टाइम निकल के आएगा। और जब बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा तो बच्चा भी खुश होगा, कुछ मार्क्स उसकी इंप्रूवमेंट में मिलेंगे, और जब बच्चे की इंप्रूवमेंट होगी तो बखूबी आप भी खुश हो जाएंगे और उसका टीचर भी खुश हो जाएगा, उसका स्कूल भी खुश हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और फिर भी अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।